अमीर ससुराल में हिंदू मुस्लिम बहू को मिला नेग। कल्याणी के बड़े बेटे केशव की आज शादी थी, सब कुछ अच्छे से हो रहा था। लेकिन अरे केशव बेटा, इस ऋषभ का कहीं पता है? नहीं माँ, काफी देर से दिखा नहीं। एक तरफ कल्याणी ऋषभ का इंतजार कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ अपने भाई के साथ साथ ऋषभ अपनी पसंद की एक मुस्लिम लड़की से मंदिर में शादी कर रहा था। ये जिंदगी हमारी है तो इसके फैसले लेने का हक भी सिर्फ हमें ही होना चाहिए। ऐसा बोलकर ऋषभ ने हूर की मांग में सिंदूर भर दिया और फिर ऋषभ हूर को अपने साथ लेकर अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर ऋषभ ने देखा कि उसका भाई भी दरवाजे पर उसकी भाभी के साथ गृह प्रवेश के लिए खड़ा हुआ है। देखो तो हूर, हम कितने सही समय पर घर पहुंचे हैं। अब तुम भी अपनी गृह प्रवेश की रस्म के लिए तैयार हो जाओ। मुझे तो थोड़ा डर लग रहा है ऋषभ, अगर तुम्हारी माँ ने मुझे नहीं अपनाया तो? तुम फिकर मत करो, माँ तुम्हें जरूर अपनाएगी। ऐसे बोलकर ऋषभ हूर को उसका हाथ पकड़कर अपने दरवाजे पर ले गया। माँ, अपनी इस बहू का गृह प्रवेश नहीं कराओगी? ऋषभ की बात सुनकर सभी ने उसे देखा। बहू? लेकिन किसकी? माँ, ये आपकी ही बहू है और मेरी पत्नी। तूने शादी? हाँ माँ, मैंने। इससे पहले ऋषभ कुछ और बोलता, कल्याणी ने उसे एक जोर का थप्पड़ लगाया। नालायक, इतना बड़ा फैसला तूने मुझसे बिना पूछे लिया अभी कैसे? माँ, ये जिंदगी मेरी है तो इसके फैसले लेने का हक भी सिर्फ मुझे ही होना चाहिए। वाह 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 वाह, अब माँ की तेरी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं रही। अरे सत्यानाशी, अगर शादी कर भी रहा था तो कोई अपने धर्म की लड़की नहीं मिली तुझे? उठा लाया इस पर्दे नशीन को? माँ, ये हूर की हया है समझी, और क्या होता है ये धर्म मजहब। सबसे पहले हम सभी एक इंसान है माँ, पहले से गुस्सा करने से क्या फायदा है। आप कुछ दिन हूर के साथ रहकर तो देखिए, अगर तब भी आपको हूर से कोई शिकायत लगे तब आप मुझसे बोलना। अपने बेटे को देखकर कल्याणी का मन पिघल गया, लेकिन हूर के लिए अभी भी उसके मन में कोई दया नहीं जागी थी। ना चाहते हुए भी कल्याणी को हूर का गृह प्रवेश कराना पड़ा और सभी मेहमानों के सामने हूर को अपनी बहू भी स्वीकारना पड़ा। अगले दिन, माँ जी आज तो मेरी, हाँ बहू, आज तेरी पहली रसोई है। जा रसोई में जाकर देख मैंने तेरे लिए कितना सारा राशन मंगवाया है, जो भी तेरा मन हो वही बना देना। पूजा खुश हो गई और रसोई में चली गई। वहीं पास में हूर भी खड़ी हुई थी। माँ जी मेरी पहली? ओहो, तो मुस्लिमों में भी पहली रसोई होती है? हाँ माँ जी, अब मैं भी आपके ही परिवार का हिस्सा हूँ। चल चल अपनी बकवास बंद कर, वहीं रसोई में जो राशन पूजा का बच जाए उसी से कुछ बना देना। ऐसे बोलकर कल्याणी चली गई। हूर ने भी अपनी रसोई में कदम रखा। जेठानी जी, जो सामान अभी आपके काम का नहीं है वो आप मुझे दे दीजिए। ओहो, तो अब तुम्हें भी मेरी पहली रसोई में टांगड़ानी है? ऐसा मत कहिए, आज मेरा भी ससुराल में पहला दिन है। मुझसे बकवास मत करो, मैं मुसलमानों के मुंह नहीं लगती और यहाँ सब कुछ मेरे काम का ही है, तो तुम यहाँ से निकल जाओ। हूर बेचारी अपने ससुराल में डरी सहमी सी थी, वो अपनी जेठानी के बोलने से बाहर आ गई। हूर की आंखों में आंसू थे और वो बस अपने कमरे की तरफ जा ही रही थी कि तभी उसे ऋषभ ने आवाज लगाई। ऋषभ जी, मैं जानता था कि मेरी माँ तुम्हें इतनी आसानी से नहीं अपनाएंगी, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये सामान लाया था। अब तुम इस राशन से कुछ बढ़िया सा बनाओ और अपनी पहली रसोई की रस्म को पूरा करो। हूर की आंखें भर आईं और उसने ऋषभ को गले लगा लिया। अरे बाबा, अब रो नहीं, जाओ ना, मैं तुम्हारे हाथों की सेवई खाने को बेताब हूँ। हूर ऋषभ को देखकर मुस्कुराई और फिर रसोई में चली गई। बाहर से ऋषभ उसे देख रहा था, इसीलिए पूजा हूर को कुछ नहीं बोल पाई। कुछ देर बाद दोनों ही बहुओं का खाना बनकर तैयार हो गया और उन दोनों ने अपना अपना खाना टेबल पर लगा दिया। हूर ने अपनी पहली रसोई में सेवई और वेज मंचूरियन बनाया था और पूजा ने खीर के साथ शाही पनीर। देखना, खाना तो सभी को मेरा ही पसंद आएगा। पूजा हूर से बहस में थी। दोनों बहुओं ने खाना परोस दिया, लेकिन ये क्या, सिर्फ ऋषभ ने ही हूर का बना खाना खाया, बाकी सब बस पूजा का बनाया खाना खाकर ही रह गए। माँ जी, जेठ जी, मेरा खाना तुझ गैर धर्मी के हाथों का खाने से अच्छा होगा कि हम मर जाएं। कोई नहीं खाएगा इस घर में तेरे हाथों का बना खाना, समझी?
कल्याणी की बात सुनकर हूर को रोना आ गया। अब यहाँ ये मगरमच्छ के आंसू मत बहा। मेरी प्यारी बहू पूजा, तूने बड़ा ही स्वादिष्ट खाना बनाया है, लेकिन इसका नेक मैं तुझे आज नहीं, कल तेरे रिसेप्शन के फंक्शन में दूंगी। कोई नहीं, कल्याणी ने ऐसा सिर्फ पूजा से कहा और हूर के आंसुओं पर उसने ध्यान ही नहीं दिया। हूर का हमदर्द सिर्फ उसका पति था, ऋषभ ने ही हूर को संभाला। इसी तरह से एक दिन और बीता और आज दोनों बहुओं का रिसेप्शन का फंक्शन था। कल्याणी हूर का रिसेप्शन करवाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन जमाने की बातों से बचने के लिए उसे हूर का भी रिसेप्शन करना पड़ा। पूजा बहू, ये ले आज रिसेप्शन में तू ये साड़ी और इन्हीं गहनों को पहनकर तैयार हो ना। जी माँ। हूर की आंखों के सामने कल्याणी ने पूजा को बहुत तोहफे दिए और बेचारी हूर बस उसका मुंह ताकती रह गई। ऐसे ही रिसेप्शन के फंक्शन में भी हुआ, सभी बस पूजा को ही तोहफे दे रहे थे, कोई भी मेहमान हूर पर ध्यान नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से उसका काफी मजाक भी बन रहा था, लेकिन हूर बस सब कुछ बर्दाश्त किए बैठी हुई थी। सदा सुहागन रह पूजा, ये ले। वो औरत भी बस पूजा को ही गिफ्ट देकर चली गई और अब बारी थी कल्याणी के नेग की। ये ले मेरी पूजा बहू, तेरे लिए ये मेरा हीरो से बना खानदानी हार, अब ये तेरा है। अरे कल्याणी, अपनी मुस्लिम बहू को कुछ नहीं देगी? ए दूंगी ना, ये ले। कल्याणी ने हूर के हाथों में 10 रुपए पकड़ा दिए। सभी जोर जोर से हंसने लगे और हूर का मजाक बनाने लगे। भाई, मुझे तेरे हिसाब से इतना नेक भी ज्यादा लग रहा था। ऐसे बोलकर हंसती हुई कल्याणी दोनों बहुओं के पास से आ गई और एक झूमर के नीचे खड़ी होकर कॉफी पीने लगी। उसको ये खबर भी नहीं थी कि जिस झूमर के नीचे वो खड़ी थी वहां मौत मंडरा रही थी। दरअसल उस झूमर की जंजीरें गल चुकी थी और वो झूमर किसी भी सेकंड में बस नीचे आने वाला था, लेकिन हूर ने ये सब कुछ देख लिया और वो जल्दी से अपनी सास को बचाने को भागी। अम्मी जान, हूर ने कल्याणी को तो धक्का दे दिया, लेकिन उसी बीच झूमर हूर के ऊपर आ गिरा। वो पूरा उसके ऊपर नहीं गिरा था, लेकिन हूर के सर में चोट आ गई, वो बेहोश हो गई। अचानक ही पार्टी का माहौल सीरियस हो गया और हूर को जल्दी से अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल जाकर डॉक्टर ने हूर की मरहम पट्टी की। अब कल्याणी को उसकी गलती का एहसास हो रहा था कि जिसे वो अपनी दुश्मन समझती थी, आज उसी बहू ने उसकी जान बचाई थी। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया। कोई नहीं अम्मी जान। नहीं, मैं अपनी गलती को सुधारना चाहती हूँ। अब तुम्हारा रिसेप्शन तेरे ठीक होने के बाद दोबारा होगा और तब मैं तुम्हें फिर से नेक दूंगी। हूर मुस्कुराने लगी। अब उसे उसके ससुराल में अपना लिया गया था। फिर क्या था, कुछ दिनों बाद जब हूर सही हो गई, दोबारा से फंक्शन रखा गया। सभी ने दोनों बहुओं को बराबर तोहफे दिए और कल्याणी ने भी दोनों को एक ही समान नेक दिया और सभी खुशी खुशी रहने लगे। अनिका अमीर घराने की औरत थी जो कि अपने 2 बेटों और पति के साथ रहती थी। अनिका का बड़ा बेटा तो इंडिया में ही अपने बाबा के साथ बिजनेस संभाल रहा था, लेकिन छोटे बेटे को उसने विदेश पढ़ाई के लिए भेजा हुआ था। अरे रामू काका, ये आ जाने में देर कैसे हो गई? कल से देर हुई तो काम पर मत आइएगा। अनिका अपने काम करने वालों से इसी तरह से पेश आती थी। अमीरी की वजह से अनिका के अंदर 20 साल की लड़कियों से भी ज्यादा एटीट्यूड था। शांति, मेरी चाय में इतनी शुगर क्यों डाली है? वो क्या वो, अब इस चाय को तुम ही पियो। इतनी मीठी चाय पिलवाकर तुम मेरी फिटनेस खराब करना चाहती हो क्या? सारा दिन अनिका अपने नौकरों को बात बात पर डांटती रहती थी। वैसे नौकरों को कितना ही समझा लो, उन्हें कोई बात समझ कहाँ आती है। मैं तो सोच रही हूँ कि अब अपने घर में भी एक बहू ही ले आऊं। अनिका के मन में अपने बड़े बेटे की शादी का ख्याल आया। देखिए जी, मैं कोई बड़े घराने की लड़की अपने ओम के लिए नहीं लाऊंगी। बड़े घराने की लड़कियों के बड़े नखरे होते हैं। कोई सीधी सादी सी गरीब घर की बेटी मिल जाए, मैं तो उससे ही अपने ओम की दुल्हन बनाकर शादी कर लाऊंगी। माँ, आपको जो सही लगे वही कीजिएगा। ऐसे बोलकर ओम ने बात को खत्म कर दिया। अनिका अब किसी अच्छी लड़की की तलाश में थी और कुछ ही दिनों में उसकी तलाश खत्म हो गई और उसे काजल नाम की एक गरीब और काली लड़की को ओम के लिए पसंद किया। और कुछ ही दिनों बाद शादी भी हो गई और काजल अपने ससुराल आ गई। शादी के बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था। माँ जी, आपकी चाय। काजल अपनी सभी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे कि एक दिन अनिका का छोटा बेटा अचानक विदेश से शादी करके घर लौट आया। तुषार बेटा, अचानक कैसे, और ये लड़की? हाँ माँ, मैं लौट आया।
वो भी आपकी बहू के साथ। माँ, मैं एरी से बहुत प्यार करता हूँ, तो मैं एरी को यहीं आपके पास ले आया। आप नाराज तो नहीं होना? बिल्कुल नहीं। अगर ऐसी चांद के टुकड़े जैसी बहू लाएगा तो मैं भला क्यों नाराज होंगी। आजा बहू। थैंक्स ससू ओम। ससू नहीं, सासू। आजा अंदर आ। काजल, आरती की थाली ला। काजल सब कुछ ले आई और पूरी तरह गृह प्रवेश की रस्म के साथ एरी का अपने देसी परिवार में स्वागत हुआ। ए खाली लेडी, तुम कौन हो? बेटा ऐसे मत बोल, ये तेरी जेठानी है। अरे इतनी काली बहू लेकर आई थी आप? लग रहा है जैसे मुंह पर चारकोल मास्क लगा रखा हो। देवरानी जी, अब हर कोई तो दूध का धुला नहीं होता। जैसे आपका रंग गोरा है, वैसे ही मेरा रंग थोड़ा सा काला है। लेकिन इस ओ गॉड, ये सब कुछ मैंने स्कूल में सालों पढ़ा था। प्लीज आप मुझे ये अच्छाई और सच्चाई के पाठ मत पढ़ाइए। तुषार, मुझे मेरे रूम में ले चलो, मैं फ्रेश होना चाहती हूँ। जरूर भाभी, प्लीज आप एरी की बात का बुरा मत मानना, ये थोड़ी सी मूडी है। कोई नहीं। काजल ने एरी की बातों को दिल से नहीं लगाया और वो वापस ही नॉर्मल ही हो गई। ऐसे ही दिन बीतने लगे। एरी दिन ब दिन बस काजल को नापसंद ही करने पर थी। और तो और, घर में विदेशी बहू के आने से अनिका का भी रवैया काजल के साथ बिल्कुल बदल चुका था। बहू, आज मेरी सहेलियां घर आ रही हैं, खास तौर पर वो मेरी अंग्रेजन बहू को देखने के लिए आएंगी, तो एरी बेटा तैयार रहना। एरी तैयार हो गई और कुछ ही देर में अनिका की सारी सहेलियां आ गई और एरी को देखते ही वो उसकी सुंदरता की तारीफों के पुल बांधने लगी। अरे वाह अनिका, तुझे तो बैठे बिठाए अंग्रेजन बहू मिल गई। बहुत ही खूबसूरत है तेरी बहू। वैसे एक बहू तो तेरी बिल्कुल ही काली कलौटी है, और जरा इसे देख। अपनी सहेलियों की बातें सुनकर अनिका को काजल से थोड़ी नफरत सी हुई। एक तरफ अनिका की सहेलियां अनजाने में ही उसे काजल के प्रति भड़का रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ, देखो तुषार, मैं भी अब सभी के साथ में मिलजुल कर नहीं रह सकती हूँ। अगर ऐसे ही चला तो मैं वापस से अपने देश लौट जाऊंगी। अच्छा बाबा ठीक है, लेकिन हुआ क्या है? मैं बस अब सबके साथ नहीं रह सकती हूँ। अरे विदेश में पढ़कर तुम आए हो, तुम्हारे काम को संभालते ही हमारा बिजनेस कितनी ऊंचाइयों पर पहुंचा है, तो तुम सब कुछ क्यों नहीं संभालते? तुम्हारा बड़ा भाई बस नाम को बिजनेस संभालता है और तुम्हारे कमाए पैसों को अपना नाम देकर सभी देखो कितने ऐश में रहते हैं। एरी ने तुषार को चढ़ा दिया। फिर क्या था, तुषार ने अपनी माँ से बंटवारे के बारे में बात की। अनिका भी अपनी सहेलियों की बातों में आकर काजल को नापसंद कर रही थी, इसीलिए उसने अपनी अंग्रेजन बहू के पक्ष में फैसला सुनाया और बंटवारे में सब कुछ एरी के नाम कर दिया। इस संपत्ति में से मैं अपनी अंग्रेजन बहू को ज्यादा हिस्सा दूंगी और कर लो, तू रहेगी अब इस घर में। उसने अपने बड़े बेटे और बहू को घर के बाहर बने एक छोटे से एक्स्ट्रा रूम में भेज दिया। मुझे अपनी ही माँ और भाई से ये उम्मीद कभी भी नहीं थी। जब जमाना कान भर देता है ना, तो शायद माँ भी पराई हो जाती है। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। ना जाने इसमें कौन सी अच्छाई छिपी हो। तुम इतनी पॉजिटिव कैसे हो? जानती हो यही बात तुम्हें औरों से अलग और बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाती है। आप भी ना। मैं सच कह रहा हूँ। अब तुम देखना कि तुम्हारा ये पति कैसे इस छोटे से कमरे से निकलकर एक बड़ा महल तुम्हारे लिए बनाता है। मुझे यकीन है। काजल और ओम एक दूसरे के साथ से ही खुश थे। उस दिन के बाद से ही ओम ने अपने काम में बहुत मेहनत करना शुरू कर दिया और वहीं दूसरी तरफ बंटवारा होते ही, ए बुढ़िया, जा मेरे लिए बढ़िया चाय लेकर आ। बहू, मुझ बुढ़िया पर थोड़ा तो रहम कर। ओहो, आप कब से बुढ़िया हो गई? चल चल जल्दी जल्दी हाथ चला। एरी सभी काम अनिका से ही करवाती थी। अब अनिका को काजल की अहमियत समझ आ रही थी। ऐसे ही लगभग 6 महीने बीत गए। ओम ने अपनी मेहनत से अपना एक बड़ा महल बना लिया था और साथ ही एक अच्छा काम भी। आज आखिर मेरा सपना पूरा हो गया। चलिए ये खुशखबरी माँ को देने चलते हैं, उन्हें भी तो आपकी काबिलियत का पता चले। दोनों पति पत्नी अपनी माँ को मिठाई देने चले गए। घर जाकर उन्होंने देखा कि एरी आराम से नेल पेंट लगा रही थी और अनिका बर्तन धोने में लगी हुई थी। माँ जी, आप ये काम क्यों कर रही हो? लाइए मैं बर्तन धो देती हूँ। अपनी बहू और बेटे को देखकर अनिका की आंखें भर आई और वो काजल को गले लगाकर बोली, तू आ गई बेटा, देख देखने। अनिका ने रोते हुए उन दोनों को सब कुछ बता दिया। अपनी माँ की एक नौकरानी जैसी हालत देख ओम गुस्से में आ गया और तुषार को एक करारा थप्पड़ लगाकर बोला, शर्म नहीं आई तुझे जोरू के गुलाम? तूने मेरी माँ को भी इसके कदमों में गिरा दिया। ओम ने उसे खूब डांटा। काजल अनिका को संभाले खड़ी थी। अपनी माँ के आंसू देख तुषार को उसकी गलती का एहसास हुआ।
मुझे माफ कर दो माँ, मैं अब तक बहुत गलत कर रहा था। भैया मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने अभी तक बहुत गलत गलत किया है, लेकिन मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ। आप प्लीज वापस आ जाइए, हम सब कुछ पहले जैसा कर देंगे। पर और अगर किसी को भी इससे आपत्ति है तो वो जा सकता है। एरी, अब चाहे तुम जो बोलो, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। अगर तुम्हें मेरे परिवार के साथ मिलजुल कर रहना है तो ठीक ठाक, वरना तुम जा सकती हो। तुषार की बात सुनकर एरी डर गई। उस दिन अनिका को उसके बेटा और बहू वापस मिल गए थे। अब सभी एक साथ रहते थे। सभी के साथ रहकर एरी का स्वभाव भी बदल रहा था और सभी खुशी खुशी रहते थे।